हेलो एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ बटर अभी बाकी है मेरे टोस्ट। आज हम बनाने जा रहे हैं पोहा ग्रेनोला। पोहा ग्रेनोला एक बहुत ही सिंपल, क्विक, इजी एंड हेल्थी रेसिपी है। इसे आप ऐसे ही खा सकते हैं एज अ स्नैक या फिर अपने मिल्क शेक और डेजर्ट्स में भी डाल सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं पोहा ग्रेनोला। सबसे पहले हम लेंगे नट्स, डेट्स एंड रेजन्स। मैंने यहाँ पर कैशू नट्स एंड आमंड्स यूज किए हैं। आप चाहे तो कोई भी नट्स यूज कर सकते हैं। आप ड्राइड क्रैनबेरीज या फिक्स भी यूज कर सकते हैं। इन्हें कुछ इस तरह से चॉप कर लीजिए, मिक्स करके एक अलग बोल में रख लीजिए। इस रेसिपी में मैंने कुछ स्पाइसेस यूज किए हैं। मैंने यूज किया है कार्डमम, सिनेमन और स्टार एनीस। इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लीजिए, मिक्स करके एक अलग बोल में रख दीजिए। आप चाहें तो स्पाइसेस डालना स्किप भी कर सकते हैं। स्पाइसेस के बदले आप कोको पाउडर डाल सकते हैं। मैं यहाँ स्पाइसेस यूज करूंगी बिकॉज ये मेरे ग्रेनोला को और हेल्दी बनाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं हमारे बाकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इस रेसिपी में मैंने यूज किया है पोहा 1 कप, ओट्स 2 कप, फ्लैक्सीड 1/2 कप, जैगरी 1/2 कप, शुगर ऑप्शनल है 2 टेबल स्पून और सॉल्ट 1 पिंच। शुगर या जैगरी आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से कम या ज्यादा डाल सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स की जगह आप तिल भी यूज कर सकते हैं। इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट स्टेप है रोस्टिंग। सबसे पहले हम एक कास्ट आयरन पैन या कढ़ाई ले लेंगे, इसे लो फ्लेम पर रख देंगे। सबसे पहले हम डालेंगे रोल्ड ओट्स, फिर पोहे, चॉप नट्स, डेट्स एंड रेजिन्स और लास्ट में फ्लैक्स सीड्स डालेंगे। इन्हें तब तक रोस्ट करेंगे जब तक पोहे क्रंची ना हो जाए, फ्लैक्स सीड्स पॉप करेंगे और रोल्ड ओट्स अपना कलर चेंज करेंगे। अब हम इसमें अपने ग्राइंड किए हुए स्पाइसेस डाल देंगे। जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाए हम कढ़ाई को फ्लेम से हटा देंगे। इसके बाद हम इसमें शुगर, जैगरी और सॉल्ट ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर हम इसे ट्रे या प्लेटर पर स्प्रेड कर देंगे। मिक्स करते समय आप इसमें वैनिला एसेंस भी डाल सकते हैं। ये ठंडा हो जाएगा फिर आप इसे एक एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। आप इसे 1 मंथ तक स्टोर कर सकते हैं। इसे रेफ्रिजरेट ना करें। इस रेसिपी को मैंने ड्राई रखा है। मैंने किसी भी तरह का ऑयल या फैट नहीं यूज किया है। तैयार होने के बाद हमारा ग्रेनोला कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए कितना कलरफुल और अट्रैक्टिव लग रहा है। वैसे तो ये बहुत न्यूट्रिशियस है, इसे आप और न्यूट्रिशियस भी बना सकते हैं। आप चाहें तो इसमें कॉर्नफ्लेक्स, व्हीट फ्लेक्स और मुरमुरे भी डाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।